हेलो फ्रेंड्स, आज हम एविडेंस एक्ट का सेक्शन 14 समझेंगे। ये एविडेंस एक्ट का हमारा लेक्चर नंबर 10 है। तो सेक्शन 14 के अंतर्गत कौन कौन से रेलिवेंट फैक्ट हैं उनको समझते हैं। तो इसके बारे में हम जो बात कर रहे हैं सेक्शन 14 में, वो नंबर 1 स्टेट ऑफ माइंड है, मन की दशा है। नंबर 2 स्टेट ऑफ बॉडी है, यानी कि शरीर की दशा है। और नंबर 3 बॉडीली फीलिंग है, यानी कि शारीरिक संवेदना है। तो इन तीन चीजों के बारे में बात हो रही है, यानी कि मन की दशा मैंने शॉर्ट में लिख दिया है SOM, यानी कि स्टेट ऑफ माइंड, SOB यानी कि स्टेट ऑफ बॉडी, और BF यानी कि बॉडीली फीलिंग्स, यानी कि मन की दशा, शरीर की दशा और शारीरिक संवेदना को दर्शित करने वाले तथ्य यहां पर सुसंगत है। तीन चीज के बारे में बात कर रहे हैं। यहां पर हम बात करें कि ये जो बात कर रहे हैं कि वो तथ्य जो स्टेट ऑफ माइंड बताएं, स्टेट ऑफ बॉडी को बताएं या बॉडी की फीलिंग को बताएं, वो सुसंगत होंगे, हमेशा नहीं होता है। ये कुछ विशेष स्थितियों में होता है, यानी कि जब मन की दशा, हमने तीनों चीज बोली, किसी व्यक्ति के संदर्भ में मन की दशा, शरीर की दशा या शारीरिक संवेदना, ये विवादक है किसी व्यक्ति की या फिर ये सुसंगत है, तभी इनके बारे में साक्ष्य दिया जा सकता है। नॉर्मली इनके बारे में साक्ष्य नहीं दिया जा सकता। यानी कि हम ये कहें कि इस व्यक्ति ने ये जो काम किया, इस व्यक्ति ने जो आशय से मारा, क्या वास्तव में इसका ऐसा आशय था या नहीं था, वो कह रहा नहीं था और आप दर्शित कर रहे हो था, यानी कि विवादक तत्व, तो हम साक्ष्य दे सकते हैं। यानी कि जब मन की दशा, शरीर की दशा, शारीरिक संवेदना, ये क्या हो, विवादक हो या फिर ये सुसंगत होते हैं, तो इनको दर्शित करने वाला तथ्य दिया जा सकता है, वो सुसंगत हो। देखते हैं। तो when the existence of state of mind, state of body or bodily feelings in issue or relevant fact, तो then the relevant fact under section 14 है, तो section 14 में कौन से सुसंगत तथ्य हैं? Fact showing the existence of, वो तथ्य जो इन तीनों के अस्तित्व को दर्शित करते हैं, इन तीनों के अस्तित्व को बताते हैं, वो सुसंगत हैं। तो फैक्ट शोइंग द एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट ऑफ माइंड, स्टेट ऑफ बॉडी और बॉडीली फीलिंग्स, एक एक करके समझते हैं। नंबर 1 स्टेट ऑफ माइंड। तो स्टेट ऑफ माइंड यानी कि मन की दशा का मतलब है कि किसी व्यक्ति के मन में क्या है। अब कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जो आप मन की दशा को बता दो तो वो सुसंगत होंगी। तो कौन सी ऐसी चीज है जो मन की दशा को आप बता सकते हो? जैसे आपका आशय हो गया, गुड फेथ हो गया, रैशनेस हो गया, नेग्लिजेंस हो गया, इलविल हो गया। तो इस प्रकार से मन की दशा को दर्शित करने वाले तत्व सुसंगत होते हैं। और सेक्शन 14 में मन की दशा को दर्शित करने वाले टोटल 7 पॉइंट बताए गए हैं, और ये 7 इंपॉर्टेंट है। पीटी में ये 7 याद रखने होंगे, कोई और मिला सकते हैं, तो 7 याद रखने होंगे। कौन कौन से हैं? नंबर 1 इंटेंशन, नॉलेज, गुड फेथ, नेग्लिजेंस, रैशनेस, इलविल और गुडविल। टोटल 7 पॉइंट मन की दशा को दर्शित करते हैं और सुसंगत होते हैं। थोड़ा सा और समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मैं बात करूं कि भाई आपने मुझे, किसी स्टूडेंट ने मुझे दो हजार के दो नोट दिए। अब ये चीज जब मैंने चेक की तो ये मालूम पड़ा कोई नोट तो नकली थे। अब ये चीज कि आपने 10 दिन पहले भी फीस दी थी तब भी दो नोट नकली थे, जब मैंने चेक किए तो वो आप ही ने दिए थे। यानी कि आपकी जो फीस दी वो भी नकली नोट थे, जो पहले आपने दिए थे वो भी नकली नोट थे, और ये चीज कल आप बुक स्टोर पर गए, वहां पर आपने कुछ बुक खरीदी, वो भी नकली नोट थे। अब ये चीज कि हर एक नोट आपके नकली निकल रहे हैं, तो ये सारे नोटों का नकली निकलना ये क्या दर्शित कर रहा है? ये दर्शित कर रहा है कि आप जानते हैं, आपको ज्ञान है कि वो कैसे हैं, सारे नोट नकली हैं। तो ये आपके ज्ञान को दर्शित करते हैं। या फिर एक और एग्जांपल लेते हैं कि ये चीज आप जिस पेन से लिख रहे हैं वो चुराया हुआ है, ये चीज के जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं वो चोरी की है, ये चीज की जो आपने शर्ट पहनी है वो भी चोरी की है। अब ये चीज के सारे सामान आपके पास, मोस्टली सामान आपके पास चोरी के निकल रहे हैं। अब ये चीज एक्सीडेंटली तो नहीं हो सकता, यानी कि आप ये तो नहीं कह सकते मुझे नहीं पता। इसका मतलब सारी चीज का आपको ज्ञान था। तो इसके संबंध में ये क्या दर्शित कर रहे हैं? आपके नॉलेज को दर्शित कर रहे हैं। जैसे एक और गुड फेथ का एग्जांपल लेते हैं। अब सपोज करो मैंने किसी स्टूडेंट को डांटा कि भाई आपको मैंने जो कहा था कल क्वेश्चन करना, या फिर मैंने कहा डेली एक मेंस का क्वेश्चन लिखना है, या फिर मैंने कहा आपने काम नहीं किया कल से आप क्लास नहीं आएंगे, आपका पनिशमेंट, या फिर जाइए आज मैं नहीं पढ़ाता हूं। तो मैंने जो आपको डांटा, क्यों डांटा वो? अब ये चीज हो सकता है कोई सोच रहा
कि कोई सोच रहा हो कि इसने इसकी डिफेमेशन कर दिया, मानहानि कर दी। अब ये चीज कि मैं तो इसलिए डांट रहा था कि ये आगे से पढ़ाई करे, आगे से गलती ना करे, डेली एक मेंस का क्वेश्चन लगाए और डेली 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव लगाए। अब ये चीज कि मैं जो सोच रहा था वो गुड फेथ था, यानी कि कोई ऐसे फैक्ट आते हैं कि गुड फेथ को दर्शित करते हैं या फिर डिफेमेशन को बताते हैं या इलविल को बताते हैं, तो ये सारे तथ्य सुसंगत होंगे। तो ये सारे हमारे पॉइंट्स हैं, 7 पॉइंट ध्यान रखने होंगे। अब इसके साथ साथ एक्सप्लेनेशन फर्स्ट भी हमें पढ़ना पड़ेगा सेक्शन 14 का। तो सेक्शन 14 का जो स्पष्टीकरण है वो ये बता रहा है कि स्टेट ऑफ माइंड SOM, यानी कि स्टेट ऑफ माइंड, यानी कि जो स्टेट ऑफ माइंड है वो सामान्य नहीं होना चाहिए, जनरल नहीं होना चाहिए, बल्कि पर्टिकुलर होना चाहिए, विशिष्ट व्यक्ति के प्रति होना चाहिए। नॉट जनरल बट पर्टिकुलर इन रेफरेंस टू मैटर इन क्वेश्चन, कि जिस प्रश्न है हमारे सामने है, जो विवाद है, उसके संदर्भ में कोई विशिष्ट एग्जाम्पल हो वो रेलिवेंट होगा। नॉर्मली आप बोलने लग जाए वो नहीं, जैसे इलस्ट्रेशन इस 20 में दे रखे हैं, इलस्ट्रेशन नंबर NOP, वैसे बहुत सारे एग्जाम्पल है और सारे इलस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इलस्ट्रेशन की हम बात करें NOP। अब एक व्यक्ति पर ये आरोप था N एग्जाम्पल में कि भाई एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को एक कार दी, एक गाड़ी दी, और वो गाड़ी कैसी थी, गाड़ी में कोई खराबी थी। अब उस खराबी की वजह से दूसरे व्यक्ति को चोट लग गई। अब ये व्यक्ति उस पर वाद लेके आ रहा है डैमेजेस के लिए, भाई मुझे अब नुकसान ही दी जाए, आपकी वजह से मुझे अब मुझे चोट लगी। अब कोई फैक्ट ये दर्शित कर दिया जाता है, कोई ऐसी चीज दर्शित कर देते हैं कि इस गाड़ी के संदर्भ में पहले भी शिकायत की गई थी, ये बताया गया था कि इसमें ये खराबी है ना, तो ये चीज क्या है, ये पर्टिकुलर है कि हाँ गाड़ी में वो चीज थी, उसे सही करानी चाहिए थी, तो ये तो सुसंगत तथ्य है। परंतु कोई व्यक्ति ये कहता है कि ये व्यक्ति हमेशा ही ऐसी खराब गाड़ी सभी लोगों के अभ्यस्त देता रहता है, हैबिचुअली देता रहता है, तो ये कॉमन चीज है, ये जनरल चीज है। तो एक्सप्लेनेशन फर्स्ट इसी चीज को क्या करता है, रेस्ट्रिक्ट करता है, लिमिट करता है कि आप सब चीज का एग्जाम्पल नहीं दे सकते हो, आप पर्टिकुलर चीज के बारे में एग्जाम्पल दोगे। तो ये मैंने कार का बताया, इसी प्रकार से ओ एग्जाम्पल में बताया, एक व्यक्ति पर आरोप था कि इसने दूसरे व्यक्ति को शूट करके, इसे गोली से शूट करके मार दिया। अब ये चीज के पहले भी इसने एक दो बार इसको मारा था, पहले भी शूट किया था, पहले भी कुछ हमला किया था, तो उसी व्यक्ति को ये तो सुसंगत है क्योंकि पर्टिकुलर हो गया। अब कोई व्यक्ति कहता है कि भाई ये जो एक्यूज्ड है तो हमेशा अभ्यक्त ऐसे ही मारता है, ये जनरल चीज आप बोल रहे हो, तो ये सुसंगत नहीं है। तो ये हमारा एक्सप्लेनेशन फर्स्ट हो गया। अब बात करते हैं स्टेट ऑफ बॉडी और बॉडीली फीलिंग्स की। स्टेट ऑफ बॉडी यानी कि शरीर की दशा कैसी है, जैसे कोई व्यक्ति बोले कि शरीर कैसा है इसका, भाई चक्कर आ रहे हैं, बीमार है, झाग निकल रहे हैं, लुढ़क रहा है, और उसे मिर्गी के दौरे पड़ रहे हैं, कुछ और भी चीज, यानी शरीर की दशा जो बताते हैं, तो वो सारे तत्व जो शरीर की दशा को बताएं वो भी सुसंगत होंगे। अब शरीर की दशा के संबंध में एग्जाम्पल एल और एम, जैसे एक व्यक्ति जहर से मरने के लिए मरा था, तो उस पर वो स्टेटमेंट ये देता है, जब जिस समय वह उसकी मृत्यु हो रही थी उस समय कोई उसने ये बताया कि भाई मुझे ऐसा लग रहा है, पॉइजन से कैसा लग रहा है, चक्कर आ रहे हैं, या फिर मैं बुखार सा महसूस कर रहा हूं, या फिर मुझे होश नहीं रह रहा है, या मेरी आंख फड़फड़ा रही है, तो ये सारी चीज क्या है, वो शरीर की दशा को बता रहा है, तो वो तथ्य जो शरीर की दशा को बताएं वो सुसंगत है। एक और एग्जाम्पल एम, जैसे एक व्यक्ति ने लाइफ इंश्योरेंस कराया है ना, अपनी वाइफ का लाइफ इंश्योरेंस कराया। अब ये चीज कि लाइफ इंश्योरेंस जब कराया था, अब सपोज करो वाइफ मर जाती है, हस्बैंड चाहता कि मेरी वाइफ मर गई, इसलिए मुझे इसका जो इंश्योरेंस का पैसा मुझे दे दीजिए, क्लेम करता है। अब ये चीज कि जब वाइफ मरी थी, वाइफ ने स्टेटमेंट दिया था, किसी व्यक्ति से बोला था कि भाई मेरी स्थिति बहुत खराब है, डॉक्टर ने कहा है कि 2-3 महीने ही जीवित रहूंगी मैं, ज्यादा दिन जीवित नहीं रहूंगी मैं, या फिर कोई और चीज बोल देती है जिससे उसके शरीर की दशा मालूम पड़ती है कि शरीर की दशा बेकार है या शरीर की दशा अच्छी है। जैसे उसने बोला ना कि मैं 2-3 महीने जीवित रहूंगी, या फिर मुझे ऐसा लगता है कभी भी कुछ भी हो सकता है, यानी कि मैं फिट नहीं हूं, सालों से बेड पर पड़ी हुई हूं, तो ये शरीर की दशा को दर्शित करने वाले तथ्य हैं। तो सेक्शन 14 में जो दूसरा पॉइंट है वो तथ्य जो शरीर की दशा को बताते हैं वो सुसंगत है। इसी प्रकार से एक और लेते हैं बॉडीली फीलिंग्स, तीसरा पॉइंट।
शारीरिक संवेदना यानी कि आपको फील कैसा हो रहा है, तो जो फीलिंग है वो सुसंगत होती है। जैसे इसमें इलस्ट्रेशन की है, अब इस मामले में कि ये चीज कि एक व्यक्ति अपनी वाइफ के साथ क्रुएलिटी करता था, अब ये चीज कि जब वो क्रुएलिटी जिसके बारे में हम आरोप लगा रहे हैं उस समय उस संदर्भ में दोनों लोग हस्बैंड वाइफ या स्पेशली हस्बैंड क्या सोचता था वाइफ के बारे में, क्या फील करता था, कैसा बिहेव करता था, कैसे वो करता था, तो ये सारी फीलिंग्स है तो उसके अंतर्गत सुसंगत हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, जैसे एक मामले में एक डायवोर्स का केस था, तो डायवोर्स के केस में जिस समय वाइफ डायवोर्स लेने जा रही थी तो उस समय अपने उस फीमेल ने अपने प्रेमी को एक लव लेटर लिखा, तो लव लेटर लिखा तो उसकी फीलिंग को बयां कर रहा है कि हाँ वो हस्बैंड से छुटकारा चाहती है और वह शायद उधर जाना चाहती है, तो फीलिंग को बता रहा है। तो कोई भी ऐसा फैक्ट जो मन की दशा को बताए, शरीर की दशा को बताए या शारीरिक संवेदना को बताए, बॉडीली फीलिंग्स को बताता है, वो सुसंगत है। इसका स्पष्टीकरण दो भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा नहीं। इसमें हम प्रीवियस कन्विक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, पूर्व दोष स्थिति। भाई नॉर्मली पूर्व दोष स्थिति सुसंगत नहीं होती, परंतु यहां पर ये कह रहे हैं वेयर प्रीवियस कमीशन इज रेलिवेंट, यानी कि जब कोई पहले कोई आपने अपराध किया है, कोई भी गलत काम किया है, अपराध किया है और वो कैसा है, वो सुसंगत है ये दर्शित करने के लिए कि उसका स्टेट ऑफ माइंड ऐसा था, शारीरिक दशा ऐसी थी, शारीरिक संवेदना ऐसी थी या फिर शारीरिक दशा ऐसी थी, यानी कि आपने पहला कोई अपराध दर्शित कर दिया उसकी मानसिक दशा को दर्शित करने के लिए, ऐसा कोई चीज साबित आप कर देते हो तो प्रीवियस कन्विक्शन विल ऑल्सो बी रेलिवेंट। तो उस स्थिति में जो पहला अपराध यदि सुसंगत है तो जिसमें वो कन्विक्ट किया गया था वो भी सुसंगत होगा। तो वेयर प्रीवियस कन्विक्शन इज रेलिवेंट टू शो स्टेट ऑफ माइंड, स्टेट ऑफ बॉडी एटसेट्रा, देन प्रीवियस कन्विक्शन विल ऑल्सो बी रेलिवेंट, तो पूर्व दोष सिद्धि भी सुसंगत होगी। तो इस प्रकार से हमारा सेक्शन 14 कंप्लीट हो गया। तो सेक्शन 14 में तीन पॉइंट रेलिवेंट, वो तथ्य जो मन की दशा को बताते हैं, वो तथ्य जो शारीरिक संवेदना को बताते हैं या फिर वो तथ्य जो शरीर की दशा को बताते हैं, वो सारे तत्व सुसंगत होंगे सेक्शन 14 के अंतर्गत। आप सेक्शन 14 में बहुत सारे इलस्ट्रेशन है, इन सेक्शन 14 के इलस्ट्रेशन के सारे करिएगा, प्री में भी बहुत आते हैं, मेंस में भी बहुत आते हैं। तो ये हमारा सेक्शन 14 था। ओके, थैंक यू।